तो जैसे ही आप किसी भी चीज़ को आग में डालकर बॉईल करते हैं, थोड़ा भी कुक करते हुए डालो, थोड़ा भी उसकी जो प्राणवायु है, जो एंजाइम्स हैं जिसको हम प्राण तत्व बोलते हैं, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं और वो निष्प्राण आहार बन जाता है। आप जब कुकिंग कर देते हो तो उसकी व्यवस्था क्या है, इसे तुम्हारे जीवन का संचालन हो और तुमके वायु ठीक हो। रॉक इज ए रीजनरेटिंग फोर्स एंड कुक इज ए डीजनरेटिंग फोर्स। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों अधिकतर लोग जब बीमार पड़ते हैं उस समय बॉइल्ड सब्जी और सूप के ऊपर उनका बड़ा रुझान होता है। किसी हॉस्पिटल में जाओ तो आप वह मिलते हैं, तो आप क्या सोचते हो, और मैं कितना सिंपल आहार खा रहा हूँ, हेल्दी आहार खा रहा हूँ। बिल्कुल आप निष्प्राण, आप डेड फूड खा रहे हो। दोस्तों हमारी सॉफ्ट खाने की और वॉइल खाने की आदतें पड़ चुकी हैं, तो शायद आपको ठीक लगे, लेकिन सच्चे बताऊँ तो जैसे आप किसी भी चीज़ को आग में डालकर बॉइल करते हो ना, थोड़ा भी कुक करते हुए बताओ, थोड़ा भी तो उसकी जो प्राण वायु है, जो एंजाइम्स हैं, जो किण्व है, तक जो जिसको हम प्राण तत्व बोलते हैं, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं और वो निष्प्राण आहार बन जाता है। मेरी बात क्यों मानते हो, ये पिक्चर देखो ना, ये जो मैं पिक्चर आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर में आप देखोगे कि एक टमाटर, ये सब रियल ऑना फोटोग्राफी हैं जो हम एनर्जी मेजरमेंट करते हैं इससे, तो आप देखोगे कि ये टमाटर जो इतना प्राणवान था, इसको जैसे आपने 5 मिनट सिर्फ कुक किया, अभी 15-20 मिनट में बता रहा, 5 मिनट कुक करते उसकी जो ऊर्जा जो 100% थी, आप देखोगे कि 10% रहा। इसी तरह अब कोई भी नहीं, ब्रोकोली जैसे आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, ब्रोकोली की पिक्चर है, तो आप देखोगे ब्रोकोली की ऊर्जा पहले क्या थी, अब कैसी हो जाए। अब मान लो कि नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज भी देख लो, नॉ कहते मैं वाइल्ड चिकन खा रहा हूँ, मैं वाइल्ड मीट खा रहा हूँ, तो देख लो वो आपका नॉनवेज देख लो पहले कैसे था, जब वो मारा उसी समय मारा और वो निकाला, उसकी ऊर्जा अलग थी, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे एनर्जी डाउन तो होती है। और उसको जैसे कुक किया, देखिए वैसे तो कोई चीज़ पर पौधों से अलग होती है, उसका ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन आप जब कुकिंग कर देते हो तो उसमें बचता क्या है, इससे तुम्हारे जीवन का संचालन हो और तुम के वायु ठीक हो। तो दोस्तों कभी भी ध्यान में रखना, बॉइल चीज़ों से तुम्हारी एनर्जी लॉस होकर तुम 10% एनर्जी पे, अगर तुम सोचते हो कि मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाए, मैं हेल्दी जल्दी हो जाऊँ, मेरे अंदर नवनिर्माण हो जाए, कभी भी नहीं होने वाला है। हाँ, आपको संतुष्टि जल्दी मिल सकती, तो इसलिए दोस्तों आप जरा सोचो, मैं एक पालक का एक ताज़ा पत्ता लेके आता हूँ, मान लो पालक का ताज़ा पत्ता आपके सामने, आप उसको खाओगे तो कुरकुरा सा लगेगा, अच्छा थोड़ा ऐसा करारा सा है, लेकिन अगर उसको 2 मिनट उबलते पानी में डाल दें, तो आप देखोगे कि वो 2 मिनट के बाद एकदम गीला ढैला होकर एकदम मुर्दा जैसा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये मुर्दा पालक के पत्ते से पूछो, क्या तू मुझे पोषण देगा? आप खुद ही कॉमन सेंस से सोचो, अपने आप से पूछो ईमानदारी से, क्या तू मुझे पोषण देगा? अब मुझे नहीं देगा, मैं तो मर गया, तो फिर क्या करूँ, अब कैसे खाऊँ इसको, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नमक मिर्च मसाले घी तेल इनका सहारा लेकर इसको कटक जाऊँगा, यानी कि ये मैं खा नहीं सकता, इसमें कोई स्वाद नहीं है, अब मैं नमक चीनी घी तेल मसालों में उसको खाकर जो ना अपने आप को कुछ तो नहीं कुछ, और मैं क्या करूँगा, हाँ मेरे शरीर में बड़ा चाहे तो मैं जाएगा, कभी नहीं मैं आएगा। ध्यान, प्राणवान आहार से ही प्राण मिलते हैं, मुर्दा आहार से सिर्फ निष्प्राण मिलता है, इसलिए तुम जिंदे रह सकते हो वॉइल आप इसको फेंकें, लेकिन डेफिशिएंसी में जियोगे, क्योंकि जब तुम जैसी किसी चीज़ को बॉइल करते हो ना, तो सबसे पहले उसको केमिकली ऑर्डर कर देते हो, सारे विटामिन सी लेस कर देते हो, उसका प्रोटीन हार्ड कर देते हो, शायद उसकी जो है हार्ड होने लग जाती है, उसकी कई केमिकल ऑक्सीडाइज होकर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो और तो सिर्फ में ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है। दोस्तों ऐसे केमिकली ऑल्टर्ड ऐसे आहार से तुम कैसे स्वास्थ्य की आशा करते हो?
वैसे दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, रॉक इज ए रीजनरेटिंग फोर्स एंड कुक्ड इज ए डीजनरेटिंग फोर्स। अगर तुम्हें बड़ी बड़ी बीमारियों से जल्दी ठीक होना रहता तो मैक्सिमम रॉक अपनाने की कोशिश करो, और अपनी जो कमजोरियाँ है कुक खाने की तो थोड़ी वॉइस ऑफ डिश सूप खाकर अपने आप को संतुष्ट करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसको कम प्रेफरेंस ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में ऐसा ही एक नया विषय।